तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मज़े से होंगे। शिवार्थी किशन आपसे दिल्ली स्टाइल छोले और भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रहा है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 400 ग्राम चने लिए हैं, इसको मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले को ऐड कर रहे हैं ताकि चने में उसका स्वाद रह जाए। साथ ही हम इसमें पानी डालकर इसे उबलने के लिए अब गैस पर रखने जा रहे हैं। अगर आपको दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे की रेसिपी जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखें। फिर हम गैस जलाकर छोले को उबाल लेंगे। इसे हम 1 से 2 सीटी तक उबालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट लिया है। इसी तरह से मैंने 2 टमाटर को भी काट लिया है। मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां को लिया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। मेरा मिक्सी जार छोटा है इसलिए मैंने इसे 2 बार ग्राइंड किया है। टमाटर और लहसुन को मैंने एक साथ पीस लिया है। यहाँ पे हमारी टमाटर और लहसुन की पेस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह मैंने ऑनियन को भी यहाँ ग्राइंड कर लिया है। इसे भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे हमारी प्याज और टमाटर की प्योरी तैयार हो चुकी है। कुकर की 2 सीटी आ चुकी है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी चना हो गई है कि नहीं। लीजिए गाइस, हम एक चने को निकाल कर देख लेते हैं कि ये हुई है कि नहीं। ये सॉफ्ट हो चुकी है भाई। हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें सरसों का तेल ऐड करके हम 2 चुटकी हींग को ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 बड़े साइज के प्याज को ऐड करेंगे और इसे सोटे कर लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च के 8-10 दाने को ऐड करेंगे। जब प्याज थोड़ी लाल हो जाए तब हम इसमें 2 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट को ऐड करेंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पे जो ओनियन का पेस्ट बनाया था उसे भी ऐड करेंगे और सॉटे कर लेंगे। इसके बाद मैंने टमाटर की भी प्योरी को ऐड कर दिया है। साथ ही में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करके इसे सोटे कर लेंगे। आप गरम मसाला की जगह छोले मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला को हम लो मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। सारा तेल छोड़ने लगे तब आप समझ जाइएगा कि मसाला हो चुका है। यहाँ पे हमारी मसाला भुन चुकी है, तो अब हम इसमें चना को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 1 गिलास पानी को ऐड किया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक को ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम धीमी आंच पे 5 मिनट तक इसे कुक करेंगे। अब हमारा चना 5 मिनट तक कुक हो चुका है, तो अब हम इसमें कटे हुए धनिया को ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारी दिल्ली स्टाइल छोले तैयार हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसी बनी है, रेसिपी कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो चलिए अब वीडियो का आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए हम भटूरे बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े कटोरी मैदा लिया है। हम इसमें 1 कटोरी दही को ऐड करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 पिंच बेकिंग पाउडर को भी ऐड किया है। हम इसे हल्के गुनगुने पानी से गूंथेंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरा बिलीव कीजिए, अगर आपने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया तो आपके भटूरे हमेशा फूले फूले बनेंगे। आटा गूंदने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। अब हम भटूरे को बेलेंगे।
कटोरे को ज़्यादा दबा कर न बेलें, इसे हल्के हल्के हाथ से ही बेलें। तो भटूरे मैंने बेल लिए हैं। तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आइए हम भटूरे को छान लेते हैं। देखिए गाइस, हमारे भटूरे कितने फूले फूले बन रहे हैं। इसे पलट कर हम दोनों तरफ से लाल कर लेंगे। तो आइए इसे हम निकाल लेते हैं। अब हमारे भटूरे सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए इसी तरह हम सारे भटूरे को फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है। यदि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हमेशा छोले और भटूरे परफेक्ट बनेंगे। आइए इसे हम देखते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।